हेलो दोस्तों, तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल गूगल ट्रिक्स में। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में अभी तक पढ़ ही लिया होगा कि जो रेडमी 5A का फ़ोन है जिसका ओरिजिनल रेट है 6000 रुपीज़, जो आपको मिलने वाला ओनली 1000 रुपये में। तो ये मानना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि ये भाई कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है, 6000 का मोबाइल आखिर 1000 में कैसे मिल सकता है। लेकिन मेरे फ्रेंड ने क्या किया कि उसे ऑर्डर किया। क्यों ऑर्डर किया? क्योंकि वो तो सोचा भाई कि आखिर कैश ऑन डिलीवरी है, तो अगर आएगा ऑर्डर तो प्रोडक्ट आएगा तो मैं पैसे दूंगा, अगर प्रोडक्ट नहीं आएगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा। और उसने क्या किया, वो सारे प्रोसेस किए और 2 मिनट का जो प्रोसेस है, और उसके पास ये जो फ्लिपकार्ट से ये जो फ़ोन है उसे ऑर्डर भी किया। उसके बाद ये फ़ोन जो आया उसके पास, तो उसने प्रोडक्ट जब आया तो उसने 1000 रुपीज़ दिए और ये प्रोडक्ट को ले लिया। तो मैंने तो आखिर विश्वास किया नहीं था, लेकिन उसने कुछ दिमाग चलाया और इस पे विश्वास किया और इसे ऑर्डर भी किया। तो ये देख सकते हैं आपने, मेरे फ्रेंड ने जो ऑर्डर किया ये फ़ोन जो है वो आ भी गया है। तो वो आखिर क्या किया था प्रोसेस और कैसे किया था, वो सब कुछ आज पता लगने वाला है आपको इस वीडियो में। और इसके अंदर जो फ़ोन है इसका अनबॉक्सिंग भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और फुल रिव्यू भी। तो अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारा बात पता चल जाए कि ये कैसे आखिर ऑर्डर होता है और इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और ये इसमें आपको ऑर्डर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। 2 मिनट का तो टाइम लगेगा भाई, लेकिन 6000 का फ़ोन आखिर 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको। तो मैं अविनाश, आप देख रहे हो हमारे और आपके यूट्यूब चैनल गूगल ट्रिक्स। तो चलिए करते हैं इसका डब्बा खोल कार्यक्रम। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, क्या क्या है आखिर इसमें इस फ्लिपकार्ट से जो ऑर्डर किया है 1000 रुपीज़ में। तो इसे तो पहले हमने अनबॉक्सिंग कर ही लिया था, लेकिन एक बार आपको भी दिखा देते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का रैपर में ये है, और ये आप देख सकते हो कि MI का फ़ोन है, इंडिया नंबर 1 फोन स्मार्टफोन, और रेडमी 5O का है जिसका Xiaomi नाम से भी बोला जाता है, रेडमी 5A। और इसका कुछ इस तरह का एक न्यू फ़ोन है। तो इसके अंदर चलिए अब देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये देख सकते हैं ये कुछ है पेपर्स, तो इसे हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद ये कुछ, उसके बाद अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो रेडमी 5A का फोन था जिसमें और इसके अंदर में भी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, ये डब्बा खाली है। तो मैंने आपको ये इतना इसलिए किया और इतना इसलिए बताया क्योंकि और ये जो ऑर्डर हुआ था वो फ्लिपकार्ट जो है वो ओरिजिनल साइट नहीं था, वो क्या था, फ्लिपचार्ट था, सी के बाद एच था, फ्लिपकार्ट चार्ट। और वो अभी वेबसाइट जो थी जिसमें ऑर्डर किया गया था फ़ोन वो भी बंद हो गया। तो ये आप देख सकते हो एकदम न्यूली पैक हो हुआ एक फ़ोन का ये डब्बा है, ये जो है पूरा एक न्यूली पैक आप देख सकते हो, लगता है ये न्यूली डब्बा। वो कैसे वो साइट जो है वो लेकर आती है, वो कैसे क्या करती है, और मैं आपको एक इसकी खास बात बता दूं कि इसका जो फ़ोन है ये तो पहली बार टूटा हुआ है। तो इस फ़ोन का तो जैसे कि हम यूज़ तो क्या, इसे मुझे लगता है अगर रिपेयर भी करवाने जाऊँ तो रिपेयर नहीं होगा। और इसमें एक और बात, इसमें आई थिंक इसमें बैटरी भी यहाँ तक की नहीं थी। जब मैंने इसे दुकान में दिखाया और इसका जब मैंने सोचा कि कंप्लेन में करूँगा, जब मेरे इस फ्रेंड ने दिखाया, तो पता है आपको फ्रेंड्स ये क्या हुआ, मैंने जब वो वेबसाइट जब मैंने खुद चेक की थी कि रेडमी 5A का 1000 रुपीज़ था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने जो थोड़ी होशियारी दिखाई और ये फ़ोन को जो है वो उसने ऑर्डर किया। लेकिन आप ही देख सकते हैं ज़्यादा होशियारी दिखाने का कारनामा क्या हुआ। उसके बाद वो मेरे पास आया और उसका 1000 रुपीज़ भी चला गया, उसके बदले उसको फ़ोन मिला कुछ ऐसा। तो मैं वो आपको दिखा देता, लेकिन वो जो साइट थी वो वेबसाइट वो भी अभी नहीं शो कर रही है, वो भी बंद कर दी गई है, उसने पैसे और ना जाने मेरे फ्रेंड के जैसा और किन किन फ्रेंड लोग को भी ऐसा किया गया होगा। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस तरह का अगर आप कर रहे हैं, आपको भी अगर ऐसा अगर आपको मिलता है, लालच दिखाया जाता है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो फ़ोन है रेडमी 5A, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूली पैक डब्बा है जिसके साथ हर एक वो चीज़ दिया गया है। सिर्फ क्या नहीं दिया गया है, तो चार्जर, USB, फिर यहाँ पर जो पिन दिया रहता है, फिर यहाँ पर जो चार्जर था, सब कुछ वैसा ही है। बस क्या है तो फ़ोन नहीं है और कुछ भी नहीं है, और वो डब्बा भी है। और ऐसा बिल्कुल भी देखकर नहीं कोई कह सकता है कि आखिर ये नहीं हो सकता है, तो इस तरह का कुछ घटनाएं हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कभी भी विश्वास ना करें, ऐसा काम कभी भी ना करें, ताकि आपको कुछ थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में ज़्यादा का नुकसान करना पड़ सके। तो ऐसा करता हूँ, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी,
अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करना और अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी ऐसे झांसे में ना आए। और कुछ भी अगर होगी तो कमेंट करके भाई जरूर बताना।